27 नवंबर 2024 को जैसे ही इसराइल और हिजबुल्ला के बीच युद्ध विराम हुआ, वैसे ही सीरिया में विद्रोही गुटों ने असद सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। पिछले एक दशक से शांत बैठे इन विद्रोही समूहों के लिए असद सरकार को उखाड़ फेंकने का ये सबसे बड़ा मौका था, क्योंकि सीरिया में ईरान के समर्थन वाले मिलिशिया ग्रुप भी कमजोर हो गए हैं, क्योंकि इसराइल के साथ युद्ध में लेबनान के भीतर और सीरिया में हिजबुल्ला काफी कमजोर पड़ चुका है। वहीं ईरान के कई कमांडरों को इसराइल ने ढेर कर दिया है। दूसरी तरफ रूस का सारा ध्यान यूक्रेन की तरफ है, और यही वजह है कि मौका देखते हुए हयात तहरीर अल शाम यानी HTS ने अलेप्पो, हमा और इदलिब पर धावा बोल दिया। लेकिन अब सीरिया की लड़ाई एक ऐसी जंग की तरफ बढ़ रही है जहां पर खुद इस्लामिक गुटों में फूट पड़ चुकी है, क्योंकि तफरीकी संगठन HTS के समर्थन में है और इन दोनों को तुर्की पर्दे के पीछे से सपोर्ट कर रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि सीरिया की लड़ाई का दायरा और ज्यादा बढ़ सकता है, वो इसलिए क्योंकि सीरिया के सशस्त्र विपक्षी नेता अबू मोहम्मद अल गोलानी ने इराक के PM मोहम्मद शिया अल सुदानी से गुजारिश की है कि वो इराक में ईरान समर्थित पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स यानी PMF को सीरिया में हस्तक्षेप ना करने दें। अल गोलानी ने बाकायदा एक वीडियो मैसेज भी जारी किया है जिसमें उन्होंने ये बात कही है। हम इराकी राजनेताओं और मोहम्मद शिया अल सुदानी से आग्रह और आशा करते हैं कि वो सीरिया में जो कुछ हो रहा है उसमें इराकी हशद अल शाबी के हस्तक्षेप को रोकने के लिए अपना कर्तव्य निभाएं। वही दूसरी तरफ इराक के मिलिशिया गुट PMF का कहना है कि उसने अभी तक सीरिया में अपने लड़ाकों को नहीं उतारा है और वो ऐसा अपनी सिर्फ टॉप लीडरशिप के कहने पर ही करेगा। हालांकि हाल ही में न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि PMF ने सीरिया में हजारों लड़ाके तैनात किए हैं ताकि असद सरकार को विद्रोहियों से बचाया जा सके। हालांकि PMF को लेकर अल गोलानी का कहना है कि सीरिया की लड़ाई इराक तक नहीं जाएगी और हम मौजूदा सरकार को हटाकर इराक के साथ रणनीतिक और आर्थिक रिश्ते बनाना चाहते हैं। आपको इस सब के बीच ये भी बता दें कि अबू मोहम्मद अल गोलानी अल कायदा का पहले चीफ रह चुका है और वो पिछले कई सालों से अंडरग्राउंड था। हालांकि वो साल 2016 तक अल कायदा से जुड़ा रहा और इसके बाद उसकी अगुवाई में HTS का गठन हुआ, जिसे पहले नुसरा फ्रंट के नाम से जाना जाता था, और नुसरा फ्रंट बनने से पहले गोलानी अल कायदा की तरफ से इराक में लड़ चुका है। वो 5 साल तक लगातार अमेरिका की जेल में रहा। अमेरिका ने साल 2013 में अल गोलानी को एक आतंकी का दर्जा दिया था और अल कायदा ने उसे सीरिया में असद सरकार को उखाड़ने के लिए लगाया था ताकि सीरिया में शरिया कानून की स्थापना हो सके, और इसके बाद से ही नुसरा फ्रंट ने सीरिया में कई आत्मघाती हमले किए हैं जिसमें कई लोगों की जान तक चली गई। आपको बता दें कि सीरिया में HTS को तुर्की और सीरिया के विपक्ष का समर्थन हासिल है।